आप कह रहे हैं कि मैं दास जी के जीवन से प्रभावित होकर खुद डिप्रेस हुआ कि नहीं? नहीं हुआ मैं, हुआ मैं, क्योंकि दास जी के साथ वक्त गुजारने के बाद और इस फिल्म के बाद ऐसा लगा कि हम बहुत सारी चीज़ें हम देखते नहीं हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, और जिन चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं वो हैं बड़ी छोटी सी चीज़ें, सिंपल चीज़ें हैं, साधारण चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत अहम हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो उनकी महत्ता समझने के लिए दास जी जैसी सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, और मतलब सिंप्लिसिटी का जो पावर होता है, जो साधारणता की शक्ति होती है, वो दास जी के सोबत में मुझे बहुत समझने को मिली, और मैं अभी भी उनका बहुत कायल हूँ, उनकी सादगी का कायल हूँ, और क्योंकि उनकी सादगी में उनकी सादगी दिखावे की सादगी नहीं है, वो सचमुच ही अंदर से बहुत ही सादे इंसान। लास्ट क्वेश्चन सर, विनय सर, आपने बिहार से यूएस गए एमबीए करने के लिए, फिर एमबीए करने छोड़ के शायद आप फिर यहाँ आए बॉलीवुड में करियर बनाने के लिए, आपका स्ट्रगल कैसा रहा? वो तो दास जी का स्ट्रगल है 32 साल का, आप अपने स्ट्रगल के बारे में बताइए। आप कह रहे हैं कि हम भी किताब लिखे हैं? लिखे नहीं सर, आप अपने स्ट्रगल के बारे में बताइए कि आप। अच्छा था यार, मजा आया। आपको कितना सारा स्ट्रगल पड़ा एज एन एक्टर बनने के लिए, कितना स्ट्रगल करना पड़ा ये बताइए। अच्छा था, मैंने ले लिया उस समय, पता नहीं क्या समझती। मैंने डिसीजन एक्चुअली, मैं एमबीए छोड़कर मैं ड्रामा स्कूल मैंने ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे ड्रामा की पढ़ाई की मैंने, तो वो मतलब मेरा मन था, मन के आवेग में मैंने कर लिया, तो अभी इस बात का अफसोस नहीं करता हूँ मैं, आपको भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल धन्यवाद।